हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इफ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ डैम इनटू अ टर्बाइन व्हील 19.6 मीटर बिलो, देन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द टर्बाइन इज ओके। सो एक वाटर डैम से टर्बाइन में ठीक है फॉल हो रहे हैं जो कि 19.6 मीटर बिलो है। ठीक है, हमें बताना है कि वेलोसिटी ऑफ द वाटर क्या होगी एट द टर्बाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। जब वो फॉल हो रहा होगा वाटर, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जितना लॉस हो रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में, दैट वुड बी इक्वल्स टू गेन इन द काइनेटिक एनर्जी। अब देखो लॉस कितना हो रहा होगा, एम जी एच, गेन इन काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक फॉल हो रहा है, 19.6 मीटर बिलो तक है। ठीक है, तो h हाइट तक नीचे आ रहा है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू एम जी एच, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो थी, अब जो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी इसकी कितनी होगी v, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर। तो m से m कैंसिल, v की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू में g की वैल्यू 9.8, h की वैल्यू 19.6। अब देखो 2 इंटू में 9.8 भी 19.6 होगा, तो ये आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर एट द टर्बाइन इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।